दोस्तों, टुन्नी की रसोई में आज आप लोगों का स्वागत। आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही मीठा पीठा। शाही मीठा पीठा के लिए मैंने एक बड़े चम्मच से घी लिया है, 200 ग्राम नारियल पाउडर लिया है, 250 ग्राम चीनी लिया है, 1/2 kg चावल का आटा लिया है और कुछ नारियल कटा हुआ लिया है इस तरह का, और दूध ज़रूरत पड़ने पे 100 ग्राम 200 ग्राम आटे को घी में सजूंगी, मिक्स करूंगी। क्या को घी में इस तरह से मिक्स करूंगी। इसमें मिक्स कर रही हूँ, इस तरह से सारे को मिक्स कर लूँगी। इसमें मिक्स कर रही हूँ, मिक्सर में। अब इसमें मैं डाल रही हूँ, मिक्स कर लिया है खूब अच्छी तरीके से। कटा हुआ नारियल भी इस तरह से डाल रही हूँ। अब इसको मैं दूध में खोला, दूध खत्म हो गया, दूध गर्म कर लिया है मैंने, देख सकते हैं। गर्म दूध में इसको सान रहे हैं। शाही पीठे का डो तैयार हो चुका है। इस तरह से थोड़ा सा और इसको गूंधूंगी, उसके बाद इसका पीठा बनाऊंगी। सानना है, पानी जरा भी नहीं देना है। अब मैं पीठा बना रही हूँ इस तरह से, छोटा छोटा गोली बना के, हल्का सा पानी डाल के हथेली पे इसको प्रेस करना। देखिए, इसी तरह से छोटी छोटी गोली बनाऊंगी। घी डाला हुआ है इस वजह से पानी की भी ज़रूरत नहीं है। शाही पीठा मेरा बहुत ही टेस्टी होगा, आप भी बना के शाही पीठा तैयार हो चुका है। इसी तरह से आप भी बनाएं, आप ज़रूर ट्राई करके देखें, ये बहुत ही बेहतर होगा।
बहुत ही टेस्टी। पानी गर्म होने के लिए पहले ही मैंने चढ़ा दिया था, पतीले में पानी चढ़ा दिया है। अब इसमें बबल्स आ जाएगा, उसके बाद ये इस तरह की चलनी इसमें डालूंगी, सारे पीछे को बिछा दूंगी। अब इसमें ये जालीदार चलनी मैं डाल दूंगी और इसी में सारे पीठे को बिछा दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे पीठे को इसमें डाल दिया है, अब इसे कवर कर दूंगी। इसके स्टीम से ये सारा पक जाएगा। मेरा शाही पीठा तैयार हो चुका है, पीठा मेरा तैयार हो चुका है, देख रहे हैं ये स्टीम ही से पका है। इसको पानी के अंदर नहीं डाला जाता है। देखिए बहुत ही बेहतर तैयार हो चुका। अब एक एक करके मैं इसे निकाल लूँगी। मैंने सारे पीठे को निकाल लिया है, ये तैयार हो चुका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया।